शेख, मेरा सवाल कि अगर जैसे साल पे जकात होता, अगर आदमी यानी हर महीने कुछ पैसे जमा करता है तो उसमें जकात कैसे निकालेगा? भाई का सवाल यह है कि अगर कोई आदमी थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा कर रहा है तो उसमें वो जकात कैसे निकालेगा, और ये सूरत हाल खास तौर से उन लोगों को पेश आती है जो नौकरी पेशा होते हैं, या किसी का छोटा मोटा कोई कारोबार होता है, इधर उधर से छोटी मोटी आमदनियां होती हैं, तो उनको ये मसला पेश आता है। तो जी इसमें सबसे पहली बात तो ये समझ लें कि आपके माल में जकात उस वक्त तक वाजिब नहीं है जब तक आपका माल निसाब को ना पहुंच जाए, और निसाब को पहुंचने के बाद जिस दिन निसाब को पहुंचा है आपका माल, उस दिन से लेकर के अगले साल उसी दिन तक वो निसाब बरकरार रहना चाहिए, या तो निसाब जी मुकम्मल रहे या उससे ऊपर रहे। तो सबसे पहले ये बात समझ ले कि निसाब मुकम्मल होना चाहिए और वो निसाब कंटिन्यू होना चाहिए साल भर, तब साल भर के बाद अब जी आपको उसमें जकात निकालनी है। तो ये पॉइंट नंबर एक, आप इसको अच्छे से जहन नशीन कर लें। दूसरी बात ये कि अगर किसी आदमी के पास थोड़ी थोड़ी रकम कहीं से करके आ रही है, जैसे हम उसको मिसाल से समझते हैं तो बात ज्यादा वाजे होगी। मान लीजिए कोई आदमी नौकरी करता है, उसकी तनख्वाह है 50,000 रुपए। जी अब जाहिर है घर में उसका खर्चा भी है, जो 50,000 हर महीने सैलरी पाएगा तो 50,000 तो सेविंग नहीं कर सकता, वो कुछ खर्चा जी करेगा, कुछ बचाएगा। तो वो 50,000 में से कुछ खर्चा कर दे रहा, हम फर्ज करते हैं कि 30,000 उसने खर्चा कर दिया। अब 20,000 जी उसका बचा, 20,000 उसने सेव किया, और 20,000 ये निसाब नहीं है। मान लेते हैं कि 20,000 निसाब नहीं है। यहां पर एक नुक्ता और जान लें कि पैसे का निसाब चांदी से लगाएंगे। आपके पास जी जब इतना पैसा हो कि जिससे आप 595 ग्राम चांदी खरीद सकते हो, तो इसका मतलब वो पैसा निसाब को पहुंचा हुआ है। अब मान लीजिए पहले जनवरी के महीने से शुरू करते हैं, जनवरी के जी महीने की उसने सैलरी पाया और 20,000 रुपये सेव किया। अब जी वो फरवरी में फिर सैलरी पाएगा, फिर 20,000 उसने सेव किया। अब फर्ज करते हैं कि वो जो 40,000 उसके पास सेविंग हो गई, उस 40,000 से वो 595 ग्राम चांदी खरीद सकता है, फर्ज करते हैं। जी अब गोया कि फरवरी के महीने में जब उसको सैलरी मिली और उसने 20,000 सेव किया, तो अब उसका माल निसाब को पहुंच चुका है। अब उस तारीख को कहीं पर लिख करके रख ले कि फला तारीख को मेरा माल निसाब को पहुंचा, ठीक जी है। अब वो जो है, यानी पहली सेविंग उसकी फरवरी की आखिरी तारीख को हुई, अब वो जो है हर महीने 20,000 रुपये सेव करता जा रहा है। अब अगले साल जब फरवरी की आखिरी तारीख आएगी, इसका जी मतलब ये हुआ कि उसका साल मुकम्मल हो गया, और इस दरमियान कभी भी उसकी रकम 40,000 से नीचे नहीं आई है। अब जब उसका साल मुकम्मल होगा अगले साल फरवरी की आखिरी तारीख को, जी अब वो जकात निकालेगा, ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि वो जकात जितना सेविंग है पूरे की जकात एक साथ निकालेगा या पूरे की नहीं निकालेगा। उसके ऊपर जो चीज वाजिब है वो ये कि जिस माल का निसाब पहुंचा हुआ था और जिस माल का साल मुकम्मल हुआ है, अभी सिर्फ उसकी जकात वाजिब हुई है उसके ऊपर। और जी कितने कितने माल का साल पूरा हुआ है अभी फरवरी की आखिरी तारीख को? 40,000 का। 40,000 का, बिल्कुल 40,000 का साल पूरा हो गया है। बाकी का जी जो पीछे वाला है उसका साल अभी पूरा नहीं हुआ है, तो नहीं हुआ 40,000 है। का फरवरी की आखिरी तारीख को जकात निकाल देगा। फिर एक महीना ठीक है फरवरी के बाद मार्च का महीना जब आएगा, मार्च की आखिरी तारीख, तब उसका किस माल का साल पूरा होगा? 20,000 जो बाद में कमाया 20,000, जो था। बाद में पाया है उसके 20,000 का। इस तरह से करके वो निकालते जाएगा, ये उसके ऊपर वाजिब है। लेकिन जी जैसा कि आपने अभी मुलाहजा किया कि ये काम आसान नहीं है, पूरे साल का उसको हिसाब लिख करके रखना पड़ेगा। हर शख्स तो को अगर, अकाउंटेंट बन जाना पड़ेगा शेर उसके हाँ, लिए। अगर वो ये चाहता है कि भाई मेरे ऊपर जितना वाजिब हो रहा है मैं सिर्फ उतना ही निकालूंगा, तब तो वो हिसाब रखे।
लेकिन अगर वो इन इन पेचीदगियों से बचना चाहता है तो उसका आसान तरीका यह है कि जब फरवरी की आखिरी तारीख आएगी अगले साल तो जितना भी सेविंग उसके पास है पूरे की जकात वो एक साथ निकाल दे और छुट्टी पा जाए। इससे क्या होगा कि बाज उस माल की जकात भी वो निकाल दे रहा है जिसका हौल अभी पूरा नहीं हुआ है, साल पूरा नहीं हुआ है, और ये जायज है और इससे उसको आसानी होगी। तो वो जो है उसके जकात निकालने के ये दो तरीके हैं। अगर चाहे तो आसान वाले तरीके पर अमल करे, और अगर चाहता है कि नहीं मेरा एक पैसा भी ज्यादा नहीं जाना चाहिए तो उस मुश्किल वाले तरीके पर उसको अमल करना होगा। एक मसला यहां पर फायदे के तौर पर और जान लें कि जो माल हमारे पास होता है, कोई पैसा हमारे पास है, अगर वो पैसे के अंदर हमको फायदा होता है, जो पैसा मैं रखा हुआ हूं सेविंग, कोई ऐसा फायदा होता है जो उसी पैसे के जरिए से हो रहा है जी, तो उस फायदे का साल अलग से नहीं शुमार होगा, वो फायदे का साल भी उसी असल माल का साल होगा। लेकिन अगर आपके पास कोई माल है फिर अलग से कोई माल आ रहा है कहीं और से, तो सब का साल अलग अलग शुमार होगा। जैसे जो तनख्वाह मिल रही है उसको हर महीने की तनख्वाह मुस्तकिल माल है, एक महीने मजदूरी किया तनख्वाह मिल गई उसका मामला खत्म। अब अगले महीने मजदूरी कर रहा है तो इस माल का दूसरे महीने वाले माल का पहले वाले महीने के माल से कोई ताल्लुक नहीं है, वो नया माल है, तो इसलिए दोनों का हौल अलग अलग होगा। अलबत्ता अगर मान लीजिए वो 1 लाख रुपए से तिजारत शुरू किया, अब उसी 1 लाख से वो फायदा हासिल हुआ उसको 10 लाख हो गया, तो बाकी जो 9 लाख है उसका हौल अलग नहीं होगा, उसका असल माल के साथ होगा। जी जी शेख, शेख इसी में थोड़ा सा ये कि जैसे अगर कोई शख्स ये जमा करते करते 11 महीने तक जमा किया, अभी एक महीना उसका बाकी है, उससे पहले वो जकात निकालने के डर से या कुछ और करके वो कोई और दूसरी चीज खरीद ले रहा है, तो अब ऐसी हालत में उस पर जकात देंगे या नहीं? जैसे बाइक हो गई या और कोई गाड़ी हो गई, अभी मेरा एक महीना बाकी है साल पूरा होने में, उससे पहले मैं खरीद लेता हूँ। वाजह है भाई, वाजह है, बिल्कुल वाजह है आपका सवाल। देखिए एक कायदा है फिक्ह में जी कि अत्तहय्युलु अला इस्कातिल वाजिब ला यजूज, या अत्तहय्युलु अला इर्तिकाबिल मुहर्रम ला यजूज, या इस तरह के अल्फाज हैं कायदे के। उसका माना यह है कि अगर किसी वाजिब चीज से बचने के लिए आप हीला इख्तियार कर रहे हो तो आप उससे नहीं बचोगे, या किसी हराम काम को करने के लिए कोई हीला इख्तियार कर रहे हो तो आप उससे नहीं बचोगे। आप उसको एक दूसरी मिसाल से पहले समझिए फिर आप अपने मसले को समझिए। जैसे कोई आदमी रमजान के महीने में सोचे कि अभी जो है जून का महीना चल रहा है, बहुत शिद्दत की प्यास लगती है जून के महीने में रोजा रखने से, तो मैं ऐसा करता हूं कि एक महीने के टूर पे निकल जाता हूं सफर पे ताकि मुझे रोजा ना रखना पड़े, और जब ठंडियों का महीना आएगा तो फिर मैं कजा कर लूंगा। तो वो सफर किस लिए कर रहा है? ताकि रोजा रोजे से बच जाए। तब हम उस कहेंगे कि नहीं, आपको रोजा रखना है सफर में, आप सफर फकत इसलिए कर रहे हो ताकि उस वाजिब से आप बच जाओ, तब जायज नहीं। अगर आपको जरूरत होती सफर की तो अलग मसला है, लेकिन आप सफर फकत उससे बचने के लिए कर रहे हो तब आप उससे नहीं बचोगे। अब आप अपने सवाल को इसी की रोशनी में समझिए। उस पर उसको दिख रहा है कि एक महीने बाद मुझे जकात देनी है, अभी उसको कोई जरूरत नहीं है वो पैसा खर्च करने की, बाइक वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, कह रहा चलो इसमें से बाइक खरीद लेता हूं 1-1.5 लाख की, तो 1-1.5 लाख कम हो जाएगा तो निसाब से नीचे आ जाएगा, तो नहीं, ऐसी सूरत में उसको जकात निकालनी है, वो जकात से नहीं बचेगा।